नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने दी नव संवत्सर की बधाई। सभी किसान भाइयों को गुड़ी पड़वा और वैसाखी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना कर्फ्यू में भी उपार्जन केंद्र खुले रहेंगे। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वह कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, सभी मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए और अपना कार्य करें। किसान भाइयों, गुड़ी पड़वा और बैसाखी पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कोरोना के संकट के दौर में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, इसके बावजूद भी सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए सभी खरीदी केंद्र, चाहे गेहूं के हों, चने के हों, सरसों मसूर के हों, खुले रखे। और इसलिए कोरोना के नियमों का पालन करते हुए मास्क लगाएं, थोड़ी दूरी रखें और कोरोना के नियमों का पालन करते हुए खरीदी केंद्र पर जाकर अपने उपज बेचें। साथ ही ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए मूंग की, विशेष करके मूंग की फसल के लिए और सब्जियों की फसलों के लिए खाद भी, दवाई की दुकानें खुली हुई हैं, कृषि उपकरण की दुकानें खुली हैं। कोरोना का पालन, नियमों का पालन करते हुए आप इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार हर संभव आपकी मदद के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना कर्फ्यू के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए आप सब पालन करें, इसका आह्वान किया है। साथ ही 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक टीका उत्सव के रूप में हम मना रहे हैं, जिसमें 45 साल से ऊपर सभी किसान भाई, आम नागरिक टीकाकरण अवश्य कराएं। हर जगह टीकाकरण के लिए केंद्र खोले गए हैं और टीकाकरण केंद्र पर जाकर 45 साल से ऊपर पात्र व्यक्ति, महिलाएं, पुरुष सभी टीकाकरण कराएं, ताकि आप अपने जीवन को सुरक्षित कर सकें। आप सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ एक बार पुनः हिंदू नव वर्ष, गुड़ी पड़वा और बैसाखी पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नीमा की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।